आप सभी को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष आपकी सभी मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो, आप सक्सेस के नए आयाम, नए कीर्तिमान स्थापित करें, इस तरह की शुभकामनाएं। अक्सर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की शिकायत रहती है कि नेक्सस जो है वो केवल प्रीमियम क्लास के प्रोडक्ट बनाते हैं और नेक्सस जो है वो केवल जो मिडिल क्लास या अपर क्लास लोबी है उन्हीं को टारगेट करती है। तो एक आम आदमी जो है उसके लिए नेक्सस के कोई प्रोडक्ट नहीं आते हैं। तो मैं आप लोगों को फ्रेंड्स बताऊं कि ऐसा नहीं है। अगर नेक्सस के प्रोडक्ट को आप सेम टेक्नोलॉजी को आप और क्वालिटी को आप दूसरे किसी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो निश्चित आपको नेक्सस की जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बेहतर लगेगी और प्राइस आपको सबसे कम मिलने वाला है। तो नव वर्ष 2023 में नेक्सस अपने प्रोडक्ट की नई रेंज जो है वो लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें एक आम आदमी का ध्यान रखा गया है। मतलब कि जो लोग लो पेइंग कस्टमर्स हैं, जो लोगों के फंड्स ज्यादा नहीं है, बजट उनका बहुत ज्यादा अलाउ नहीं करता है और उनको सोलर पे जाना है, तो उन लोगों के लिए इकोनॉमिकल सॉल्यूशन जो है नेक्सस 2023 में देने वाली है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों के घर पे वॉशिंग मशीन है, पंखा है, कूलर है, टीवी है और वो लोग एक बैटरी के इन्वर्टर पे अपने पूरे घर का लोड चलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए नेक्सस ने अपनी नई जो है प्रोडक्ट रेंज बनाई है। तो इस प्रोडक्ट रेंज में आपको यह है कि वन टाइम का इन्वेस्टमेंट करना है और ये इन्वेस्टमेंट जो है ये आपके बजट में रहने वाला है और आपको लाइफ टाइम कोई मेंटेनेंस जो है वो नहीं करना है। इस तरह का जेन्युइन सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है जिसमें टेक्नोलॉजी है सुपर क्लास की और अगर कीमत की बात करूं तो सबसे कम कीमत में आपको ये प्रोडक्ट जो है वो मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिन लोगों के कम लोड है और जो लोग 12 वोल्ट की एक बैटरी के साथ में काम करते हैं उन लोगों के लिए नेक्सस ने एक जबरदस्त जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो इस प्रोडक्ट की क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, क्या प्राइसिंग होने वाली है, क्या क्या आप लोड चला सकते हैं, सारी डिटेल्स जो है इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, इंडिया में जो है वो 50% से ज्यादा पॉपुलेशन उनकी है कि जो लोग 600 VA से करीब 1100 VA के इन्वर्टर पर उनका घर का पूरा लोड चलता है। अब ये जो लोड चलता है उनका 600 VA से 1100 VA, तो इनका जो मैक्सिमम लोड होता है वो होता है कि पंखा चलाना है, कूलर चलाना है, वॉशिंग मशीन चलानी है और इस तरह के जो है वो लोड उनको चलाने होते हैं। अब दिक्कत जो है वो ये है कि 150 Ah की जो बैटरी है वो मार्केट में बहुत ज्यादा रिलायबल बैटरी आपको नहीं मिलती है, 2-3 साल में आपकी बैटरी खराब हो जाती है और कई बार आपको अगर थोड़ा सा हाई लोड चलाना पड़ जाए तो दिक्कत हो जाती है। अक्सर 600 VA या 1000 VA के जो इन्वर्टर्स हैं इनमें जो है वो खराबी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है और ये जो टेक्नोलॉजी आप देखते हैं अभी तक 600 या 800 1000 VA की जो टेक्नोलॉजी है ये अभी तक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी में कुछ नया नेक्सस ने बनाया है और ये सुपर इन्वर्टर आप इसको कह सकते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि सुपर PCU आप इसको कह सकते हैं और इसकी क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर है इसमें नेक्सस का 1100 VA और ये जो इन्वर्टर है ये जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, मैं इन्वर्टर तक आ गया हूँ, ये इन्वर्टर आप देख रहे हैं इतना स्लीक डिजाइन और मुझे लगता है कि 1100 VA के इन्वर्टर में आपको कोई इन्वर्टर ऐसा नहीं मिलने वाला है कि जो इतने कम साइज में होता हो। इतना कॉम्पैक्ट साइज आप देखेंगे, ये इतना ही कॉम्पैक्ट साइज है इस इन्वर्टर का, सबसे छोटा साइज जो है वो इससे छोटा साइज में आपको कोई इन्वर्टर देखने को अभी तक नहीं मिलेगा। अगर मैं इस इन्वर्टर की टफनेस की बात करूं तो इतना टफ इन्वर्टर है कि एक बार लगाने के बाद में इसका एक फ्यूज भी जो है वो खराब नहीं होने वाला है। वीडियो में ज्यादा समय ना बिगड़े इसलिए मैंने इसके इन्वर्टर के कनेक्शन करा दिए हैं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो में आपको जानकारी दे पाऊं। तो आप वीडियो में फ्रेंड्स कंटिन्यू बने रहिएगा क्योंकि आगे इस वीडियो में मैं आपको इसके सारे फीचर्स बताने वाला हूं, प्राइसिंग बताने वाला हूं और सारी टेक्नोलॉजी आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या फीचर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ये नेक्सस की AVR सीरीज का इन्वर्टर है 1100 VA का। अब ये जो सीरीज है AVR इसका मतलब है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, मतलब कि ये जो इन्वर्टर है इसमें अगर आपकी किसी वजह से आपके घर पे वोल्टेज रेंज जो है वो फ्लक्चुएट करती है और अक्सर जहां पे सिंगल फेज के कनेक्शन होता है तो वहां पे वोल्टेज की समस्या जो ना अक्सर हर घर में होती ही है। तो इस इन्वर्टर में क्या है कि सपोज आपके यहाँ पे 160 वोल्ट आते हैं, 140 वोल्ट आते हैं, तो अब 140 वोल्ट अगर आए आपके नॉर्मल इन्वर्टर में तो वहां पे इन्वर्टर जो है आपका कट कर देगा। तो मतलब लाइट तो आपके पास होती रहेगी पर आपकी बैटरी जो है वो चार्ज नहीं होगी। तो उस कंडीशन में आपको एक 5-6 हजार रुपए का स्टेबलाइजर जो है वो आपको लगवाना पड़ेगा।
अब इस इन्वर्टर के अंदर क्या है कि इसमें AVR टेक्नोलॉजी हमने दी। अब इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ये है कि आपको कोई अलग से स्टेबलाइजर लगवाने की जरूरत नहीं है, 30% तक ये आपके वोल्टेज को खुद से इनहेंस कर सकता है, खुद से बढ़ा सकता है। तो ये इस इन्वर्टर का जो है वो पहला फीचर होने वाला है। कि मैं आपसे बात करूं तो इस इन्वर्टर में प्योर साइन वेव आउटपुट आपको देखने को मिलता है। तो अक्सर आप देखेंगे कि 600 VA से 1000 VA के जो इन्वर्टर्स होते हैं उनमें आपको स्क्वायर वेव आउटपुट देखने को मिलता है। अभी स्क्वायर वेव आउटपुट क्या है कि इसमें जैसे आपने कई बार देखा होगा आपकी CFL की डंडी आपकी काली हो जाती है, या आप अपना जब भी इन्वर्टर से आप अपना कंप्यूटर चलाएं डेस्कटॉप चलाएं तो उसके स्पीकर में एक हमिंग साउंड आती है हम करके, आप अपना फैन चलाते हैं तो फैन के अंदर एक हमिंग साउंड आती है हम वाली जो साउंड होती है, तो ये वाली जो साउंड है ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर की वजह से होती है, जिसकी वजह से आपका जो भी प्रोडक्ट है जो भी आप उस इन्वर्टर से यूज कर रहे हैं वो आपको बहुत जल्दी से खराब हो जाता है और प्योर जो आउटपुट है वो आपको आपके इन्वर्टर से जो है नहीं मिल पाता है। तो इस इन्वर्टर में आपको प्योर साइन वेव आउटपुट देखने को मिलता है, तो जिसकी वजह से आप जो भी इक्विपमेंट्स आप इससे चलाएंगे वो लॉन्ग लास्टिंग रहने वाले हैं। अब तीसरा जो इसका फीचर है वो ये है कि इस इन्वर्टर में आप खुद से आपकी वोल्टेज सेट कर सकते हैं, आप अपना चार्जिंग एम्पियर सेट कर सकते हैं, आप अपना इन्वर्टर और UPS मोड का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोलर पैनल से अगर आप इस अपने इन्वर्टर को चला रहे हैं तो आप उसमें प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका जो इन्वर्टर है वो आपका क्या चलाएगा, कि आपका लोड जो है वो ग्रिड से चलाएगा या सोलर से चलाएगा या बैटरी से चलाएगा। तो आपको जो भी प्रायोरिटी रखनी है वो उस प्रायोरिटी पे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो आपको दोनों फीचर इसमें मिलते हैं, इन्वर्टर और UPS सिलेक्शन आपको मिलता है, और इसी के साथ आपको इसमें 3 मोड मिलते हैं जिसकी वजह से आप अपना जो भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे या सेकंड प्रायोरिटी आपको सेट करनी है वो आप प्रायोरिटी जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये इसका एक फीचर हो जाता है। अब इस इन्वर्टर को आप बिना पैनल के भी यूज कर सकते हैं और सोलर पैनल के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो सोलर पैनल के साथ अगर आपको इस इन्वर्टर को यूज करना है तो उसके लिए आप मैक्सिमम 850 वाट तक का पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी एक बात यह है, क्योंकि ये इन्वर्टर जो है ये PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है, तो अब इस इन्वर्टर में आपको यह करना है कि जो आपके 24 वोल्ट का पैनल है वो इसमें नहीं लगने वाला है। तो नेक्सस जो है अपना 12 वोल्ट में पैनल बनाता है जिसमें आपको 210 वोल्ट का पैनल मिल जाएगा, 420 वोल्ट का पैनल मिल जाएगा। तो आप 420 वोल्ट के दो पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं या 210 वोल्ट के चार पैनल तीन पैनल भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये इसकी पैनल सपोर्ट हो जाती है। अब जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इंडिया में वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये है कि आने वाले टाइम में लेड एसिड बैटरी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जानी है। तो लेड एसिड बैटरी क्या है कि एक मेंटेनेंस का आइटम है, बहुत ज्यादा लाइफ आपको नहीं मिल पाती है और बहुत ज्यादा दिक्कतें जो है वो लेड एसिड बैटरी के साथ में आम जो उपभोक्ता है वो फेस करता है। तो आने वाला टाइम जो है वो लिथियम का है। तो इस बैटरी के अंदर आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आप इस पे लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं और आप इस पे लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं। माना आज आपके पास अभी लेड एसिड बैटरी है तो आप इस इन्वर्टर खाली बाई कर लीजिएगा, आप अपनी लेड एसिड बैटरी पे चलाएं। कल को आपकी बैटरी खराब हो गई, आपका हुआ कि साहब मेरे को तो लिथियम बैटरी पे जाना है, तो आप इस पे लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स कि 12 वोल्ट की इस पे लिथियम बैटरी लगेगी और ये 12 वोल्ट की बैटरी जो है ये मैंने यहां पे लगवा दी है। तो जैसे कि बैटरी आप देख पा रहे हैं, ये बैटरी 12 वोल्ट की लिथियम की, और ये बैटरी जो है ये इतनी पावरफुल है कि ये आपका 150 AH की जो लेड एसिड बैटरी होती है आपकी उतनी पावर की बैटरी के बराबर बैकअप आपको इस बैटरी से मिल जाएगा। 100 AH 12.8 वोल्ट की ये बैटरी है और बैटरी का जो मैक्सिमम चार्जिंग वोल्टेज है वो 14.6 वोल्ट तक आपको बैटरी मैक्सिमम चार्ज करनी है और 10.8 वोल्ट तक बैटरी आपको डिस्चार्ज करनी है। मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट जो है 100 एम्पियर भी आप इससे ले सकते हैं और जो मैक्सिमम चार्जिंग करंट है वो 25 एम्पियर से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। प्योर स्टेनलेस स्टील में ये बैटरी है और 15 साल की आपको इस बैटरी पे वारंटी मिलती है। तो आप समझिए नेक्सस की ये कितनी प्रीमियम क्लास की बैटरी है कि जिस पे आपको 15 साल की वारंटी मिलती है। अब मैं आपको थोड़ा इन्वर्टर को पीछे से दिखा दूं, तो आप इन्वर्टर को पीछे से देखेंगे तो यहाँ पे आपको इन्वर्टर और UPS का सिलेक्शन स्विच मिल जाता है। इसी के साथ आपको फ्यूज मिल जाता है, एक्सटर्नल ये फ्यूज है। इसी के साथ आपको 5 एम्पियर का यहाँ पे सॉकेट मिल जाता है। इसी के साथ सोलर कनेक्ट करने के लिए आपको ST2 जो है ये सॉकेट मिल जाता है और इसके अंदर आप 4 इंच का ये SMPS फैन देख रहे हैं। ये दो वायर्स आपको अपनी बैटरी को कनेक्ट करने को मिल जाते हैं। तो इस बैटरी को अगर आपको लिथियम बैटरी को कनेक्ट करना है तो आपको ये एंडरसन कनेक्टर की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि आप ये एंडरसन कनेक्टर देख रहे हैं। और ये मैं इस एंडरसन कनेक्टर जो है इस तरह के होते हैं, तो ये मैं आपको दिखा दूं अलग करके। तो ये जो है ये एंडरसन कनेक्टर है, मेल फीमेल टाइप का होता है। तो इस तरह का एंडरसन कनेक्टर आपको चाहिए होता है क्योंकि बैटरी जो है एंडरसन कनेक्टर के साथ में आती है। तो ये आप यहाँ पे नट बोल्ट जो है जो आप ये देख रहे हैं मैंने टेपिंग करा दी है, ये नट बोल्ट के साथ में आप इसको लगा सकते हैं। तो आपका इन्वर्टर जो है अब ये चालू हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात कि इस इन्वर्टर में जो है लोड कैपेसिटी इस इन्वर्टर की क्या है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसका लोड चलवा के दिखाता हूं कि जो है कितना लोड जो है हमारा इन्वर्टर ये चला सकता है।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो हीटर है वो हीटर मैं इसके पीछे लगवा दे रहा हूँ, और ये देखिए डायरेक्टली जो है हमने इसके सॉकेट में हीटर जो है डाल दिया, और आप देख रहे हैं 102% ये सिस्टम जो है वो ओवरलोड हो गया, क्योंकि 1000 वॉट का ये हीटर है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और सिस्टम जो है 102% मतलब मैक्सिमम लोड हमने जो है इस पर चेक कर लिया कि मैक्सिमम जो है कितना पावरफुल जो इन्वर्टर है, कितना लोड ये इन्वर्टर हमारा ले सकता है। तो अभी आप देखेंगे कि जो हीटर है हमारा, वो हीटर की जो गूंज है वो हमारी रेड होनी शुरू हो गई है, 800 वॉट से ज़्यादा का लोड जो है इस सिस्टम पे हो गया है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ हीटर की जो है ये जो स्प्रिंग्स है वो रेड होनी शुरू हो गई हैं, और ये जो बैटरी है ये इतनी पावरफुल है कि आपको इतना डिस्चार्ज दे सकती है कि मतलब आपको 750 वॉट तक का लोड भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं। अब कई बार आपके घर पे क्या होता है कि आपको ड्रिल करना है कहीं, आपका इन्वर्टर छोटा है तो आपका इन्वर्टर जो है वो ओवरलोड दिखा के बंद हो जाएगा, पर यहाँ पे आप देखिए कि सिस्टम जो है 125% तक ओवरलोड हो सकता है। तो ये इस इन्वर्टर में हमने ये फीचर डाला है कि किसी वजह से आपको कोई हाई लोड इस पर चलाना पड़ जाए तो आप ये जो इन्वर्टर है ये बंद नहीं होगा, आपका इन्वर्टर जो है काम करता रहेगा। तो मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि वो दिखाए हीटर जो है वो बिल्कुल रेड हो चुका है, और ये जो है करीब मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ 102% जो है वो यहाँ पे लोड जो है वो हमारा चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये इन्वर्टर जो है एक रफ एंड टफ इन्वर्टर आपके लिए हो जाता है, जिसमें आप सोलर भी लगा सकते हैं, आप लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं, आप लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं, प्योर साइनली आउटपुट आपको इससे मिलता है, और आपके घर के लिए ये एक बेहतरीन सिस्टम है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 700 वाट से ज्यादा का लोड इस इन्वर्टर पर ना चलाएं, क्योंकि इस इन्वर्टर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 800 वाट, और किसी सर्टेन कंडीशन में आपको कुछ सेकंड के लिए आप इस सिस्टम को 125% तक ओवरलोड कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने ओवरलोड करके दिखा दिया आपको। तो ये आप देखें हीटर जो है हमारा चल गया है, तो करीब 800 वाट का जो है वो लोड जो है वो चल रहा है हमारा, और 800 वाट से मुझे लग रहा है कि 1% ज़्यादा ही होगा, 102% आप देखिए सिस्टम की जो क्षमता है वो 102% ओवरलोडिंग जो है सिस्टम चल रहा है। तो आपको कुछ सेकंड के लिए अगर ये चलाना है तो आप ये लोड चला सकते हैं, माना कुछ सेकंड के लिए आपको चलाना है, 1-2 मिनट के लिए आपको चलाना है, बाकी रेगुलर में अगर 700 वाट से ज़्यादा के आपके लोड हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा 24 वोल्ट का जो इन्वर्टर है एवीआर टेक्नोलॉजी में वो आप इन्वर्टर ले सकते हैं। अब बात आ जाती है कि कितने रुपये में आपको ये मिलने वाला है, तो फ्रेंड्स आपकी शिकायत जो है वो दूर हो जानी है, इस इन्वर्टर की जो कीमत है वो है मात्र 8500 रुपये, GST जो है वो अलग से लगने वाली है। तो GST अलग से मतलब ये है कि अगर आप सोलर पैनल के साथ इसको बाई करते हैं तो 12% GST है, और अगर आप विदाउट सोलर के इसको बाई करते हैं तो 18% GST पे आपको इन्वर्टर मिल जाएगा। अब बातें हैं कि आपको इन्वर्टर मिलेगा कहाँ से, तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in, आप वहाँ पे जाके आप इस प्रोडक्ट को जो है इस इन्वर्टर को आप बाई कर सकते हैं। इसके साथ आप लिथियम बैटरी भी बाई कर सकते हैं, सोलर पैनल भी बाई कर सकते हैं। वहीं पे आपको हमारी वेबसाइट पे डीलर लोकेटर मिलता है, वहाँ पे अगर आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस आपको सब मिल जाएंगे, तो आप हमारे डीलर्स को कॉन्टैक्ट करके भी ये वाला सिस्टम जो है बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद, थैंक यू।